जमाने में दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है जहाँ पे औरतों को पुरुष के समान हर काम करने की आजादी मिलती है, फिर भी आज की कितनी भी मॉडर्न और बिंदास लड़की होगी वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र होके बाजार में नहीं निकलेगी। तो ये तो बहुत पुराने जमाने की बात हम आज करने जा रहे हैं, जब औरतें पूरी लिबास में ही देखने को मिलती थी। तो फिर इस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये बिल्कुल निर्वस्त्र होके ही बाजार में खुले आम घूमने निकल पड़ी, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये औरत आज से तकरीबन 1000 साल पहले मर्सिया के एक कस्बे की रानी थी जिनका नाम था गोडिवा। उनको लेडी गोडिवा के नाम से ज्यादातर जाना जाता था और उनका पति यानी कि राजा उस कस्बे के गरीब लोगों से बहुत ज्यादा ही लगान वसूला करता था। गांव के गरीब लोग राजा से नफरत करते थे लेकिन डर के कारण कुछ भी बोले बिना हर महीने उनको लगान दिया करते थे। ये बात लेडी गोडिवा को पसंद नहीं आती थी, उनको गांव के गरीब लोगों की दया आती थी और वह राजा को काफी बार बोला करती थी कि आप अब गांव के लोगों से लगान लेना बंद क्यों नहीं कर देते, या कम से कम उनका लगान कम तो कर दीजिए। लेकिन राजा उनकी एक नहीं सुनता था और उन्होंने लगान वसूलना जारी रखा। रानी ने राजा को इस बात पर टोकना भी जारी रखा और दोनों में इस बात पे काफी नोकझोंक हो जाती थी। एक बार लेडी गोडिवा ने गुस्से में आके ये बात निकाली तब राजा भी चिल्ला उठे और रानी को बोल दिया कि तुमको गांव लोगों की इतनी ही दया आती है तो खुद कभी नंगी होके क्यों नहीं चली जाती उन लोगों के सामने, गांव वालों को वो भी अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, कल तुम बिल्कुल निर्वस्त्र होके घोड़े पे बैठ के अगर भरी बाजार में गांव के मर्दों के सामने से निकलो तो मैं उन लोगों से लगान वसूलना बंद कर दूंगा। राजा को लगा कि किसी भी हाल में रानी ये नहीं करेगी, लेकिन दूसरे ही दिन रानी यानी कि लेडी गोडिवा बिल्कुल निर्वस्त्र होके घोड़े पे सवारी करते हुए भरी बाजार में से मर्दों के सामने से निकली। लेडी गोडिवा के पास उनके बदन को ढकने के लिए सिर्फ उनके लंबे बाल थे। ये बात रानी के बाजार में आने से पहले ही गांव में फैल चुकी थी। रानी के आदर के लिए सभी मर्दों ने ये तय किया कि रानी के आने पे कोई मर्द उन्हें नहीं देखेगा और अपनी आंखें बंद कर लेगा, और सभी मर्दों ने ऐसा ही किया। किसी ने रानी को आंखें खोल के नहीं देखा और उनका आदर बनाए रखा। लेकिन बाद में पता चला कि टॉम नाम का सिर्फ एक लड़का था जो एक कमरे की दरार में से रानी को बिना कपड़ों के घोड़े सवारी करते हुए देख रहा था। ये बात गांव के लोगों को पता चलते ही उनकी रानी का अनादर करने वाले टॉम को गांव के लोगों ने ही अंधा कर दिया, यानी कि उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। तो यह थी लेडी गोडिवा की सच्ची कहानी जिसकी कई किताबों में भी पुष्टि है, और आज भी लंदन के लोग लेडी गोडिवा को आदर से देखते हैं और कुछ लोग उनकी पूजा भी करते हैं। बहुत से म्यूजियम में लेडी गोडिवा की घोड़े सवारी करती हुई स्टेच्यूज भी रखी गई है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप इस अजीबोगरीब दुनिया के किस्सों से वाकिफ रहें।